अलहम्दुलिल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे बच्चों, हम निस्बत और तनासुब से वाकिफ हो चुके हैं। हमने निस्बत से मुतालिक मिसालें भी पिछले वीडियो में हल किए। निस्बत की मसावात किस तरह बनती है ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम निस्बत की मसावात बनाकर मिसालें हल करना सीखेंगे। मिसाल नंबर एक, यकसर रफ्तार से एक कार 165 किलोमीटर का फासला 3 घंटों में तय करती है, तो इसी रफ्तार से दिए गए मिसालें हल कीजिए। नंबर एक, 330 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कार को कितने घंटे लगेंगे? हम जानते हैं कि कार 3 घंटों में 165 किलोमीटर का फासला तय करती है। अब हमें ये मालूम करना है कि 330 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कार को कितने घंटे लगेंगे। फर्ज कीजिए कि कार 330 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय करती है, इसलिए इसे मसावात में लिखेंगे। ए बटे 330 बराबर 3/165। हमें 330 को 1 बनाना है, इसलिए हम दोनों तरफ़ेन में 330 से तक ज़र्ब करेंगे। इस तरह से ये मसावात हो जाएगी। ए बटे 330 ज़र्ब 330 बराबर 3/165 ज़र्ब 330, यानी इसे मज़ीद हल करने पर ए बराबर 3/2 यानी ए बराबर 6 ये हासिल होगा। इसलिए 330 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कार को 6 घंटे लगेंगे। नंबर दो, दूसरा सवाल है, 8 घंटों में कार कितना फासला तय करेंगी? हम जानते हैं कि कार 3 घंटों में 165 किलोमीटर का फासला तय करती है। अब हमको ये मालूम करना है कि कार 8 घंटों में कितना फासला तय करेंगी। फ़र्ज कीजिए कि 8 घंटों में कार भी फासला तय करती है, इसलिए इसे मसावात में लिखेंगे। बी बटे 8 बराबर 165/3। अब हमें यहाँ बटे में आए 8 को 1 बनाना है, इसलिए हम 8 से दोनों तरफ़ेन को ज़र्ब देंगे। बी बटे 8 ज़र्ब 8 बराबर 165/3 ज़र्ब 8। इसे हल करने पर हमें हासिल होगा b बराबर 55/8 बराबर 440, यानी इसीलिए कार 8 घंटों में 440 किलोमीटर का फासला तय करेगी। इसी तरह हम लेंगे दूसरी मिसाल। सवाल, आम के एक बाग में 8 कतारों में 128 दरख्त हैं। हर कतार में दरख्तों की तादाद मसावी हो तो ऐसी 13 कतारों में कितने दरख्त होंगे? चलिए इस मिसाल को हल करते हैं। हम जानते हैं कि 8 कतारों में 128 दरख्त हैं, तो हमें मालूम ये करना है कि 13 कतारों में दरख्तों की तादाद क्या होगी। सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि एक कतार में कितने दरख्त होंगे। एक कतार में दरख्तों की तादाद बराबर 128/8। एक कतार में दरख्तों की तादाद बराबर 16, यानी एक कतार में 16 दरख्त होंगे, तो ऐसी 13 कतारों में कितने दरख्त होंगे ये मालूम करने के लिए हम 16/13 करेंगे। 13 कतारों में दरख्तों की तादाद बराबर 16/13 बराबर 208, इसलिए 13 कतारों में दरख्तों की तादाद 208 होंगी। इसी तरह की और मिसालें लेकर उन्हें हल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।